जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं सैनिकों की तादाद से क्या होता है। जी हाँ, आज की कहानी है हिम्मत की और रिस्क टेकिंग जज्बे की। आज की कहानी है सोनी की। सोनी, सोनी कैमरा, सोनी म्यूजिक, सोनी चैनल, सोनी ऐप, आज हम सब सोनी को जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सोनी कंपनी के शुरुआती 10 साल तक सोनी कंपनी का नाम सोनी था ही नहीं। सोनी कंपनी की शुरुआत की थी अकियो मोरितो ने, और उन्होंने बार बार बड़े से बड़ा रिस्क लेकर सोनी कंपनी को सक्सेस के उस शिखर तक पहुंचा दिया जहां दूसरा कोई भी नहीं। अकियो जी की फैमिली फूड बिजनेस में थी, लेकिन घर वालों से लड़कर जिद कर अकियो ने इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस शुरू किया था। जब उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी तो कंपनी का नाम था टोक्यो सुशिन कोग्यो। कंपनी की स्थापना के 10 साल बाद अकियो जी को लगा कि उन्हें कंपनी का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैल रहा है और दूसरे देशों में ये नाम काफ़ी अटपटा, काफ़ी अजीब लगता है। अकियो कंपनी का नाम बदलकर सोनी रखना चाहते थे, बट उनके जितने भी बिजनेस पार्टनर्स थे, दोस्त थे, फैमिली मेंबर्स थे या ऑफिस में काम कर रहे लोग थे, सब ने उनका खूब विरोध किया। उन सब का कहना था कि नाम बदलने से उनकी की हुई सारी की सारी मेहनत और मार्केट वैल्यू जीरो हो जाएगी। उन सब की बात भी जायज़ थी, क्योंकि कंपनी का नाम बदलने का मतलब है ऑलरेडी फलती फूलती कंपनी को आग लगाना और एक नई कंपनी को शुरू करना। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त तक पूरे जापान में किसी भी जैपनीज कंपनी ने नॉन जैपनीज नेम नहीं रखा था। अकियो जी अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने वो कर दिया जो उनके देश में पहले कभी हुआ ही नहीं था, और आज सोनी का नाम दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। एक बार फिर से अकियो मोरितो ने ऐसा ही किया, और ये दौर था वॉकमैन का। वो एक छोटा सा कैसेट प्लेयर बनाना चाहते थे जिसमें रिकॉर्डिंग फीचर ना हो। कंपनी के इंजीनियर्स, एडवाइजर्स और बाकी सब लोग अड़ गए और उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा, बिना रिकॉर्डिंग फीचर वाला वॉकमैन कामयाब हो ही नहीं सकता, हमारी कंपनी 100 वॉकमैन भी नहीं बेच पाएगी। सभी लोगों को अपने खिलाफ देखकर अकियो जी ने ऐलान कर दिया कि अगर ये वॉकमैन नहीं चला तो वो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे देंगे और दोबारा जिंदगी में कभी उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। फिर क्या था, जिस प्रोडक्ट के लिए अकियो जी ने अपना और अपनी कंपनी का पूरा फ्यूचर दांव पर लगा दिया, वो प्रोडक्ट सोनी को सफलता की बुलंदियों पर ले गया, और सोनी ने 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 2 करोड़ से भी ज़्यादा वॉकमैन बेचे। अकियो मोरितो जी की कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हमें अपने आइडियाज़ और अपने डिसीजंस पर एकदम अडिग रहना चाहिए, और उन्हें पूरा करने के लिए कैलकुलेटिव रिस्क भी लेने चाहिए, चाहे वो रिस्क जॉब छोड़ने का हो, स्टार्टअप शुरू करने का हो, व्हाट्सएप पर साड़ी या प्रोडक्ट बेचने का हो, या सब कुछ छोड़ अपनी मनपसंद फील्ड में आगे बढ़ने का हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो सीख जाएंगे। मेरी तरफ से एक स्पेशल मैसेज, मैं मोहित अरोड़ा मोटिवेशन स्पीकर यूट्यूब चैनल को सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बनाना चाहता, बल्कि इसे मैं एक परिवार बनाना चाहता हूँ, एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। परिवार में आपके जैसे, मेरे जैसे उन तमाम लोगों को शामिल करना चाहता हूँ जो खुद ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और दिल से लोगों की मदद करना चाहते हैं। हमारी इंस्पिरेशनल फैमिली में आप सबका स्वागत है। अब हमें हमारी फैमिली में उन लोगों को जोड़ना है जो हमारे जैसे हैं, इसलिए इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जैसे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए और हमारी फैमिली को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।